Hello students, in today's session we will be looking into the words which I have taken from today's The Hindu newspaper. What I used to do here is that I take some words from The Hindu newspaper on a regular basis and used to discuss here so that the guys who don't get any time or get any opportunity to go through The Hindu newspaper can go through this video and can learn new words every day. As you know, new words means vocab is so important nowadays, and in order to speak a fluent English and an impressive English, you have to know some new words. So you can improve your word section, you can improve your vocab power by watching this video on a regular basis. So without wasting any time, let's see what are the words we are going to discuss today. So the first word for today is valorize. It means give or ascribe value or validity to, means kisi cheez ko importance dena. For example, the culture valorizes the individual. जो culture है वो वहाँ के individual को बताता है, वहाँ का importance बताता है. Synonym is price fixing, restraint. Next word is ameliorate. It means make better. Means किसी भी चीज़ को आप बेहतर करते हो. कोई भी चीज़ जैसे satisfactory नहीं था पहले, अब आप उसको satisfactory बना रहे हो. Means you are making something good, making better. For example, the reform did much to ameliorate living standards. जो ये reform है, जो हमने changes लाए हैं, इससे हमारा जो living standard है वो अच्छा होगा, बेहतर होगा. Synonyms हैं improve, amend, better, enhance, enrich. Antonyms are damage, endamage, harm, hurt, impair. Next word is recede. It means pull back or move away or backwards. Means किसी चीज़ से अपना हाथ खींचना या फिर पीछे को जाना. For example, the unhappy memories of her childhood receded as she grew older. मीन जैसे जैसे वो बड़ी होते जा रही थी, उसका जो बचपन का जो याद था या फिर जो ख़राब मेमोरीज थे वो उसको पीछे खींच रहा था. मीन्स आगे बढ़ने से पीछे खींच रहा था, आगे बढ़ने नहीं दे रहा था उसे लाइफ में. Synonyms are subside, ebb, taper. Antonyms are forge, ascend, prolong. नेक्स्ट वर्ड इज वैंक्विश. इट मीन्स डिफीट थॉरली. मीन्स किसी भी चीज़ को या फिर इंसान को या फिर किसी भी रिस्पेक्ट में हराना किसी भी चीज़ को. फॉर एग्जाम्पल, ही सक्सेसफुली वैंक्विश्ड हिज राइवल. उसने अपने अपोनेंट को, अपने दुश्मन को, अपने उसके अगेंस्ट जो उससे लड़ रहा था उसको हरा दिया वो बहुत अच्छे से. सिनोनिम्स है कॉन्क्वर, डिफीट. एंटोनिम है सरेंडर. नेक्स्ट वर्ड इज laconic. It means of a person, speech or style of writing using very few words. Means बहुत ही कम word use करके कोई भी चीज़ बोलना. जैसे आप किसी भी किसी के बारे में बोल रहे हो, कुछ होते हैं कि लंबा चौड़ा 10 लाइन बोलते हैं, कुछ होते हैं कि जस्ट 4 लाइन में अपने आप को एक्सप्रेस करके आपको बोल देंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, हिज laconic reply suggested a lack of interest in the topic. उसने उस टॉपिक के बारे में इतना कम बोला, इससे ये पता चलता है कि उसे उस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है. सिनोनिम्स हैं ब्रीफ, कंसाइज, टेरस, सकेंट, शॉर्ट, इकोनॉमिकल. एंटोनिम्स आर वर्बोस, लॉन्ग विंडेड, लुकासियस. नेक्स्ट वर्ड इज प्यूनिटिव. इट मीन्स इन्फ्लिक्टिंग और इंटेंडेड एज पनिशमेंट. मीन्स ऐसा चीज़ जो आपको पनिशमेंट के तौर पे मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, ही कॉल फॉर प्यूनिटिव मेजर्स अगेंस्ट द ईस्टर्न ब्लॉक. उसने पनिशमेंट देने के लिए ईस्टर्न ब्लॉक को पनिशमेंट देने के लिए बुलाया. सिनोनिम्स हैं पीनल, डिसिप्लिनरी, करेक्टिव. एंटोनिम्स हैं एक्सोनरेटिंग, कंडोनिंग, पार्डनिंग. सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड विल बी बैक विद सम मोर वर्ड्स इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो थैंक यू, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग एंड वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.